हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोम ओएस फ्लेक्स के बारे में, जो कि हमारा विंडोज़ का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई एक पुराना लैपटॉप है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसमें कम रैम और छोटा सा प्रोसेसर है, उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो जाए, जिससे कि हमारी बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी लैपटॉप, और साथ ही इसमें आपको चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रोम ओएस फ्लेक्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सर्च करना है क्रोमबुक यूटिलिटी रिकवरी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट लिंक है जो कि क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी का है, उसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली मैं इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना जो कि क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी है। यहाँ पे हम ऐड टू क्रोम करेंगे, फिर ऐड एक्सटेंशन करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो देख सकते हैं हमारा जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुका है। तो सिंपली हम उस एक्सटेंशन को ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो रिकवरी मीडिया बनाने के लिए हमारा जो क्रोमबुक यूटिलिटी रिकवरी है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपने पेन ड्राइव को बूटेबल करेंगे गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स में। तो यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट कर लेना अपना सिलेक्ट अ मॉडल फ्रॉम लिस्ट। यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स। यहाँ में अपना जो वर्जन है वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सीधे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर लेकर जाता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद हमारा जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन चुका है। तो सिंपली मैं अपने लैपटॉप से, नए वाले लैपटॉप से उसको हटा के, मैं अपने पुराने लैपटॉप में लगा के हम अपना जो गूगल फ्लेक्स ओएस है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली मैं अपना पेन ड्राइव लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप में, और यहाँ से सिंपली हम इसको शट डाउन कर लेंगे। तो लैपटॉप को शट डाउन करने के बाद हम सिंपली अपने जो बूट मेन्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले अपने लैपटॉप को शट डाउन कर लेते हैं। तो मेरा लैपटॉप जो शटडाउन हो चुका है। बूट मेन्यू को जाने के लिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप को पावर ऑन करेंगे, फिर F12 दबाएंगे। मेरा लैपटॉप है वो डेल का है, तो आप अपने लैपटॉप के हिसाब से देख लीजिएगा किस तरीके से आप अपने बूट मेन्यू में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली हम अपना जो UEFI मोड में पेन ड्राइव है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये पेन ड्राइव से बूट हो रहा है, तो ये थोड़ा स्लो भी हो सकता है। ये पुराना लैपटॉप है, इसमें i5 है, i3 के स्टिकर पर मत जाना, वो वैसे ही लगा रखा है, बट है i5। तो इसमें हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो देख सकते हैं हमारा जो इनसिक्योर मोड में ये बूट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है वो लिखा आ गया है, तो इसका मतलब हमारा जो पेन ड्राइव है वो हमारा रन हो चुका है, और जो हमारा ओएस है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं हमारा जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है वो ऑन हो चुका है, वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने यू को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो है ये हमारा गूगल क्रोम को लॉगिन करने के लिए बोल रहा है गूगल आईडी से। तो यहाँ सिंपली हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लिखा रहा है इंस्टॉल क्रोम ओएस फ्लेक्स, यहाँ पर हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सारा डेटा है वो रेज होने वाला है, तो अपने लैपटॉप का जो बैकअप आप ले लीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डेटा उड़ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसे हमारा क्रोम ओएस फ्लेक्स इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद मैं आपसे सीधे मिलता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे हमें लेफ्ट साइड में शट डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से हम डायरेक्टली इसको शट डाउन कर लेंगे। तो पेन ड्राइव निकालने के बाद सिंपली हम अपने जो पावर बटन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारा लैपटॉप जो है पावर ऑन हो जाए। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है उस पावर ऑन होना शुरू हो गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है इनसिक्योर बूट मोड में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारा क्रोम ओएस फ्लेक्स है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो वेलकम टू क्रोम ओएस फ्लेक्स वाली स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ से हम सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना जो वाईफाई मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे मिलता हूँ नेक्स्ट करके। यहाँ से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से हम सिंपली यू पे करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अपना जो क्रोम बुक है वो हमें साइन इन कर लेना, बट हम एज अ गेस्ट जाएंगे। तो हमारा जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन है इसमें डिफ़ॉल्ट में। तो सिंपली इसको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ कि इसका लुक कैसा है। तो वो देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स की जो होम स्क्रीन है कुछ ऐसी दिखती है। इसमें ये कुछ एप्लीकेशंस आती हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो आपको सेटिंग्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ सेटिंग्स आती हैं इसमें, बेसिक सी सेटिंग्स है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपका गूगल क्रोम ही इंस्टॉल आता है बस, और आपके पास प्ले स्टोर नहीं मिलता है इसमें, तो इसका ये ड्रॉबैक भी है।
तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स है जिनसे आप अपना जो गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपके ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।